अस्सलाम वालेकुम इकबाल बेटा, वालेकुम सलाम सर। बाकी सबको भी कह दें कि जल्दी ज्वाइन कर लें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम अजहर, अस्सलाम वालेकुम फरकान। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं बेटा, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। बाकी अपने दोस्तों से भी कह दो कि जल्दी ज्वाइन कर लें, तो फिर उसके बाद हम जो है वो क्लास स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्लास। जैसे जैसे आपके दोस्त, जैसे जैसे आपके फ्रेंड्स आते चले जाएंगे, तो हम उनको जो है वो ज्वाइन कराते चले जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए आई बिलीव कि हमें जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि हम मज़ीद फर्दर आगे चीज़ों को जो है वो लेके चल सकें। पहले तो मुझे बताओ, तुम सब लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर की हुई है? क्योंकि किसी के साथ प्रॉब्लम लास्ट क्लास के अंदर ये भी प्रॉब्लम हुआ था कि उसको मेरी स्क्रीन ही नज़र नहीं आ रही थी, तो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? पहले तो मुझे ये कंफर्म करो बेटा। यस सर। ओके ठीक है ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कशन किया था, वो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ डिस्कशन किया था दो चीजों के बारे में। एक चीज हमने नाम दी थी ग्लोबलाइजेशन का, और एक चीज को हमने नाम दिया था कल्चर का। और फिर हमने ये चीज देखी थी कि आपके ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके कल्चरल इम्पैक्ट्स किस तरीके से क्रिएट हुए हैं, आपकी नेशनल कॉपरेशंस क्या हैं, मल्टीनेशनल कॉपरेशंस क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, आपके प्रोप्राइटरशिप्स क्या हैं, आपकी पार्टनरशिप्स क्या हैं। फिर उसके बाद हमने एस्क्राइब स्टेटस पढ़ा था कि एस्क्राइब स्टेटस क्या होता है। याद है सारी के सारी चीजें जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी? याद है या नहीं याद है? ये एक रिफ्रेशर दे दें।
सर याद है लेकिन चलो थोड़ा सा ओवरव्यू दे यस सर। दे। अच्छा चलो ओवरव्यू एक दे देते हैं हमने। देखो लास्ट क्लास के अंदर जो चीजें डिस्कस की थी उसके अंदर जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस की थी ग्लोबलाइजेशन को। अब ग्लोबलाइजेशन होती क्या है बड़े अगर कंसाइसली उसको बात करें, जो मैं लास्ट क्लास में भी की थी वो हमने ये कहा था कि ये एक इंटरेक्शन प्रोसेस होता है या इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है जिसमें लोग दैट मीन्स पीपल कंपनीज दैट मीन्स जो बिजनेस कर रही हैं और जो आपकी गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि रूल्स और रेगुलेशंस बने वो आपस में इस तरीके से इंटीग्रेट और इंटरैक्ट करती हैं कि आपकी जो उसकी ड्राइविंग फोर्स बनती है वो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बनती है और वो आगे की तरफ एक्सेलरेट करती है टेक्नोलॉजी की वजह से। फिर इसके बाद हमने इसके आगे ये पढ़ा था कि एक हमारे पास नॉर्मल फैक्ट्री होती है, एक हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट होता है, फिर उसके बाद वो एक नेशनल यूनिट बनता है, फिर उसके बाद एक मल्टीनेशनल यूनिट बनता है। मल्टीनेशनल यूनिट बनने का मतलब ये है कि वो जिसकी ऑपरेशंस या जिसकी जिस इंडस्ट्री के या जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज या एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है वो अवेलेबल होते हैं। आज जो पॉइंट हमने देखना है या आज जो चीज़ हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे विल बी स्टार्टिंग कि जी आपकी टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट आता है आपके HR के ऊपर। अभी फिलहाल सिर्फ हम इम्पैक्ट देख रहे हैं जनरली कि जी क्या इम्पैक्ट किस चीज़ का आता है, किस तरीके से क्या चीज़ हमारी जो है वो शेप अप कर रही होती है या कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स पे इम्पैक्ट नहीं करते, और फिर उसके बाद हम इन सब चीज़ों को कोरिलेट करना शुरू करेंगे और ह्यूमन रिसोर्स को आगे डिटेल के अंदर देखेंगे। सबसे अगला सवाल हमारे पास ये आता है, हमने देख लिया कि जी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कल्चर का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, लॉस का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ जो कि हमारी बेसिकली ड्राइविंग फोर्स होती है वो हमारे पास होती है टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले मेरे पास सवाल ये खड़ा होता है कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? तुम्हें से कोई डिफाइन कर सकता है टेक्नोलॉजी है क्या? एनीवन, मुबारक, अजहर, टेक्नोलॉजी क्या है? यानी हाउ डू यू डिफाइन दिस वर्ड? ये एक वर्ड जो हम अमूमन यूज कर रहे होते हैं कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है क्या जी? सर ऐसी चीज जो आपके काम को आसान कर दे, ईज क्रिएट कर दे, ठीक है, क्विकली आपका काम हो जाए सर। ठीक है फुरकान, अजहर कुछ कह रहे थे बेटा? अजहर कुछ कह रहे थे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर, लास्ट क्लास में एब्सेंट था। सॉरी अजहर मुझे आपकी बात समझ नहीं आई बेटा। सर सर वो आप पूछ रहे थे ना टेक्नोलॉजी के बारे में, सर वो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि सर मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट था ना। अच्छा ठीक है, तो अजहर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं पहुंचे हैं क्या? YouTube का लिंक नहीं पहुंचा है? सर सर मुझे अभी तक मिला नहीं है सर, मैं एक दफा गया था मुझे अभी नहीं मिला था सर। अच्छा बहरहाल आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा अली रजा साहब से, मैंने आप लोगों की जो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग थी वो पूरी की पूरी इसीलिए उनके साथ शेयर कर दी थी। वो हो सकता है शायद स्केड्यूल उनका बिजी होगा तो इस वजह से वो नहीं शेयर कर सके होंगे। तो हम लोग जो जो क्लास के अंदर चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो जो चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, सारी के सारी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना, लिंक्स आपको जो है उसके मिल जाएंगे। ठीक है सर? जी सर, ओके, थैंक यू सर। अच्छा नो प्रॉब्लम। अच्छा मेरा सवाल येट अगेन वहीं पे कि जी टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। अब मेरे पास बहुत सारे तरीके कार हैं टेक्नोलॉजी को डिफाइन करने के, लेकिन जो सबसे मेजर और सबसे जो सिंपल तरीन डेफिनेशन जो है ना टेक्नोलॉजी की जो हम दे रहे होते हैं या जो हम नॉर्मल यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास ये है कि हम साइंटिफिक नॉलेज को, जो भी हमारी साइंस है, टेक्नोलॉजी आर्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी साइंस है, पहले तो एक चीज़ ये क्लियर कर ली जाती है, हमारी साइंटिफिक नॉलेज को ह्यूमन रिसोर्स की या ह्यूमन लाइफ के अंदर इस तरीके से इम्पैक्ट कराएं या इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करें कि हमारी ह्यूमन एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। मींस हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को या साइंटिफिक एप्लीकेशंस को इस तरीके से ह्यूमन लाइफ के अंदर इन्वॉल्व कराया जाए कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाए। अब इन्वायरमेंट चेंज होने का क्या मतलब है या हमारे पास टेक्नोलॉजी का लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कराने का क्या मतलब है? अली मोहम्मद आवाज नहीं आ रही। अली मेरी आवाज नहीं आ रही आपको बेटा? अली मोहम्मद अच्छा अली मैं अगर आप
आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ बेटा, आपका माइक शो नहीं हो रहा है, माइक कनेक्ट कर दो, मेरी आवाज आ जाएगी। और किसी के साथ तो ये इशू नहीं है कि बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही? ओके, तो अब हमारे पास सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया, या किस तरीके से हमारी ह्यूमन लाइफ के अंदर साइंटिफिक एप्लीकेशन जो है वो इन्वॉल्व है। बड़ी सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं चीज को, इसको अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश करते हैं। आजकल के दौर में या अभी करंट सिनेरियो के अंदर जो हमारे पास, हम जो क्लास ले रहे हैं या जो हमारे पास ये मीडियम ऑफ एजुकेशन है, ये क्या है? ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है, ठीक है, साइंटिफिक एप्लीकेशन है। जूम एक साइंटिफिक एप्लीकेशन है और हम इस साइंटिफिक एप्लीकेशन को यूज करते हुए, ये साइंटिफिक एप्लीकेशन को यूटिलाइज करते हुए, ये साइंटिफिक एप्लीकेशन को अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करते हुए हम जो है वो अब ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। आज से एक साल 2019 के 2018 ही की बात कर लें, और अगर हमें 2018 के अंदर कोई ये कहता था कि जी हम घर बैठ के क्लास लेंगे तो इट वॉज समथिंग वेरी अजीब सा, हमें कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है, क्लासेस तो क्लासेस में जाके ली जाती हैं। जब 2020 आया, कोविड की सिचुएशन आई, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो फ्लैट होती चली गई, या इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ऑब्सोलीट होती चली गई कि हमें ना चाहते हुए भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा, और अब हम उस टेक्नोलॉजी के आधी हो चुके हैं। इसके बाद मजीद फर्दर आगे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पुराने दौर के अंदर, यानी कि पुराने दौर से मुराद ये है कि अगर मैं अर्ली 2000 का एरर देखूं, 2002, 2003, 2004, 2005, तो उसके अंदर जो पीरियड था वो पीरियड था SMS का, मतलब लोग SMS भेजते थे, ठीक है। उसके बाद कोई वीडियो पिक्चर या कोई वीडियो कॉलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब आपके पास वीडियो कॉलिंग का भी कॉन्सेप्ट है, अब आपके पास जो है वो GPRS की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन के अंदर वाईफाई क्लाउड ऑलरेडी मौजूद है। मीन्स आपकी हर एक ह्यूमन लाइफ के अंदर आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो चेंज होता चला जा रहा है। पहले अगर आपको किसी से डायरेक्शन पूछनी होती थी, पहले अगर आपको किसी से रास्ता पूछना होता था तो आप लोगों से पूछते थे, यूज टू आस्क द नेटिव। आप वहाँ के जो लोकल रोड के ऊपर अगर कोई जा रहा था, आपसे पूछते थे कि भाईजान फला गली का है, या भाईजान फला जगह का है, या भाईजान फला एरिया का है। अब आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं, आपके मोबाइल के अंदर नेविगेशन मौजूद है, आपकी गाड़ी के अंदर नेविगेशन मौजूद है, आपको GPS मौजूद है, आपको सिंपल उस GPS के ऊपर या उस नेविगेशन के ऊपर आपको क्लिक करना होता है, डिजायर्ड लोकेशन अपनी डालनी होती है और वो आपको प्रॉपर आपकी लोकेशन बता देता है। ना सिर्फ वो आपको आपकी प्रॉपर लोकेशन मैपिंग के ऊपर बता रहा होता है, बल्कि इन एडिशन टू इट वो आपको ये भी बता रहा होता है कि जी आप कौन सा, अगर आपने किसी जगह पर गलत टर्न ले लिया या किसी जगह पर आप गलत मुड़ गए, तो वो आपको पहले से इंटीमेट कर रहा होता है कि नहीं जी ये रास्ता है जो कि आपको फॉलो करना है। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो हम पिक्चर्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं। कि पहले हमारे पास प्रॉपरली कैमराज होते थे, कैमराज के अंदर रील्स होती थी, रील्स के अंदर 32 या 36 फिल्म की जो है वो एक रील होती थी, जिसके अंदर आप एक कैमरे में सिर्फ 32 से 36 पिक्चर्स खींच रहे होते थे, और उन पिक्चर्स को धुलवाना एक काम होता था, और अगर आपकी आंखें बंद हो गई तो आपके लिए एक बड़ा मसला होता था, क्योंकि वो पिक्चर दोबारा से आपको लेना पड़ती थी। उसको रिप्लेस किया आपके डिजिटल कैमराज ने। डिजिटल कैमराज से क्या हुआ कि कैमरा शेप वही होती थी, बट सिर्फ फर्क ये होता था कि जी उसके अंदर से जो उसकी रील थी वो हट गई थी, और रील की जगह पे मेमोरी कार्ड आ गए थे। पहले आप सिर्फ 32 तस्वीरें खींचते थे, फिर आप 200 तस्वीरें खींचने लगे। अब वही चीज़, वही कैमरा अपनी उस हालत से, शेप से चेंज होके, उस कंडीशन से चेंज होके आपके मोबाइल फोन्स के अंदर आ गया, और आपके हर वक्त आपके हाथ में होता है। अब ना आपको अलग से मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत है, ना आपको तस्वीरें वॉश कराने की ज़रूरत है, ना आपको ये प्रॉब्लम या ये कंसर्न होगा कि जी आपकी आँखें बंद हो जाएंगी तो क्या होगा। इट्स अ रेडीमेड पिक्चर एलिमेंट जो कि आपके हाथ के अंदर मौजूद है, और आप बहुत ईजीली जो है वो अपनी पिक्चर को इसके ऊपर देख सकते हैं, या अपनी पिक्चर को इसके ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके पास सारी के सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल, या आपके जो क्या कहना चाहिए, जनरली हर ह्यूमन लाइफ के अंदर जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी ने जो है वो इम्पैक्ट को क्रिएट किया है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो दुनिया जब, या जो हमारे पास प्रोडक्शन एरा, या जो हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या जो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, प्रोडक्शंस हैं, जो इंडस्ट्री जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो मौजूद है, उसके ऊपर आपका जो है वो ग्लोब जो टेक्नोलॉजी है उसने कैसे
जो है वो आपके इम्पैक्ट को जो है वो क्रिएट किया, ठीक है। अच्छा, इन सब चीजों से पहले एक चीज मैं तुम लोगों को बताऊं कि जो ग्लोबलाइजेशन की जो फाउंडेशन है, अगर तुम में से किसी को इंटरेस्ट है या अगर तुम में से किसी को लगता है कि वो तुम लोगों को पढ़नी चाहिए, तो वो आपके पास थॉमस फ्रीडमैन की बुक है, द वर्ल्ड इज फ्लैट, ठीक है। इस बुक के अंदर आपको ग्लोबलाइजेशन के तमाम कॉन्सेप्ट्स, तमाम के तमाम चीजें, तमाम के तमाम प्रिंसिपल बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली और बहुत अंडरस्टैंडिंग वे के अंदर समझाए गए। तो अगर तुम में से किसी को ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट या ग्लोबलाइजेशन के एरास और ग्लोबलाइजेशन की वर्किंग के बारे में अगर किसी को पढ़ना है कि हाउ इट ओरिजिनेटेड, हाउ इट वर्क्ड, हाउ इट मूव्ड, तो तुम लोग जरूर थॉमस फ्रीडमैन की बुक है द वर्ल्ड इज फ्लैट को जरूर पढ़ना। इट एक्चुअली गिव्स एवरी कॉन्सेप्ट जो कि आपका ग्लोबलाइजेशन का है। अब फ्रीडमैन की बुक के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग जो है वो यहाँ पे लेके चलते हैं ताकि हम आगे उसको जो है वो कनेक्ट कर सकें अपने ह्यूमन रिसोर्स के एलिमेंट के साथ, कोर के साथ। फ्रीडमैन ये चीज कंटेन करता है, फ्रीडमैन ये चीज कहता है कि आपकी ग्लोबलाइजेशन का जो वर्ड है इसके तीन बेसिक एरास जो है वो फॉर्म हुए। एरास का मतलब आप इसको आज की लैंग्वेज के अंदर जेनरेशन भी कह सकते हो कि बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो तीन जनरेशन से फेज आउट हुआ या तीन फेजेस के अंदर जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। पहला जो ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट एरा है, ग्लोबलाइजेशन वन का जो एरा है, ये वो एरा है जो क्रिस्टोफर कोलंबस का एरा है। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था जिसने सबसे पहले क्या किया था? जी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था? के माइक की आवाज नहीं आ रही है बेटा, सदाम आपकी आवाज नहीं आ रही, लिख के बोल दो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी फुरकान, क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था? फुरकान जी, जी सर, क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था बेटा? सर मुझे पता नहीं है। है? यार क्या बात कर रहे हो तुम, क्या बात कर रहे हो तुम, क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में नहीं पता? चलो फिर बातें। क्रिस्टोफर कोलंबस वो था, वो बंदा था या वो आदमी था जो बेसिकली, यस सदाम ने बिल्कुल सही बात कही, सदाम ने भी वही बात बता दी मुझे कि जी ये बेसिकली एक्सप्लोरर था, ठीक है, और इसने यूएसए को, अमेरिका जैसे आप, बल्कि सॉरी अमेरिका हम उसको कहते हैं उस वक्त के पीरियड में, इसने अमेरिका को डिस्कवर किया था जिसको आप आज के दौर के अंदर यूएसए कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके ग्लोबलाइजेशन वन का जो एरा था वो एक्सटेंड करता है 1492 से, 1492 जो है वो बेसिकली क्रिस्टोफर कोलंबस का जो है वो अमेरिका डिस्कवर करने का एरिया था, और उसके मूव करता है वो एरिया 1492 से लेके 1800 तक इस पीरियड के अंदर, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो तकरीबन 400 साल के ऊपर जो है वो ये ग्लोबलाइजेशन का एरा जो है वो क्रिएट होता है। अब इस पीरियड के अंदर या इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर क्या हुआ, इस टाइम फ्रेम के अंदर ये हुआ कि जो मुख्तलिफ कंट्रीज थे, ये जो थोड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थे और थोड़े वीक कंट्रीज थे, उनके आपस में कंपैरिजन हुए, और कंपैरिजन इस तरीके से हुए कि हर कंट्री ने या जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थे उन्होंने कोशिश की कि वो दुनिया के अंदर अपनी जगह बनाए, और जगह किस तरीके से बनाए, दिस बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करिंग, फतह करने का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। क्या आप किसी जमीन पे गए, उस जमीन को आपने फतह किया, फतह करने के बाद जो है वो आपने उस जमीन के ऊपर अपना कब्जा या उस जमीन के ऊपर अपना राज नाफिज कर दिया, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कलेबरेशन का कॉन्सेप्ट। कलेबरेटिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि आप दो कंट्रीज के टेरिटरीज एक दूसरे के साथ मिल गई, लाइक जिस तरीके से अब आपकी यूरोपीय यूनियन है या स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं, इवन अमेरिका के अपने अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, कंट्रीज तो नहीं कहूँगा, स्टेट्स मैं उनको कहूँगा, कि इन लोगों ने क्या क्या एक दूसरे के साथ कलेबरेशन कर लिया, कलेबरेशन, और इसी तरीके से कंट्रीज ने भी एक दूसरे के साथ कलेबरेट किया, और टेरिटरीज ने, स्टेट्स को हम टेरिटरीज के कॉन्सेप्ट से भी देखते हैं कि इन्होंने एक दूसरे के साथ कलेबरेट किया। तो बेसिकली उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह यह थी कि कंट्रीज ने अपनी एस्टैब्लिशमेंट को या कंट्रीज ने अपनी एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश करना था। उनका एम्फेसिस उस वक्त क्या था, यानी ग्लोबलाइजेशन वन का एम्फेसाइज क्या था, या ग्लोबलाइजेशन वन का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका एम्फेसिस था नेशनल आइडेंटिफिकेशन और इकोनॉमिक डिनोमिनेशन का। दो उनके बेसिक जो है वो फोकसेस थे। पहला उनका फोकस ये था कि जी हमारे
एक मिनट अली मैं देखूं, नहीं अली, अली का माइक मुझे अभी भी शो नहीं, अगर तुम्हें से प्लीज कोई अली को हेल्प कर दे, अली का माइक शो नहीं हो रहा है जिस वजह से उसको मेरी आवाज भी नहीं जा रही है, तो अगर तुम्हें से कोई अली को हेल्प कर दे और अली को हेल्प करके अली को गाइड कर दे कि किस तरीके से माइक जो है वो करना है, तो प्लीज वो भी मेरी बात जो है वो सुन सकेगा प्लीज। ओके अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो चीज आ रही है, ग्लोबलाइजेशन वन का जो बेसिक एम या ऑब्जेक्टिव या इम्फेसिस था, वो इम्फेसिस था नेशनल आइडेंटिफिकेशन का, कि दैट मीन इस नेशन को आइडेंटिफाई किया जाए, पहला। दूसरा इकोनॉमिक डिनोमिनेशन का, इकोनॉमिक डिनोमिनेशन का मतलब ये है कि इकोनॉमिकल रिसोर्सेज आपके जो थे या आपके जो ट्रेड के रिसोर्सेज थे उस पर ज्यादा से ज्यादा हक जो है वो क्रिएट किया जाए, और इस हक को क्रिएट करने के बाद आपकी स्ट्रेंथ या आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ज्यादा बढ़ते चले जाए। इस पर्टिकुलर पीरियड की स्पेशलिटी क्या थी, इस पर्टिकुलर पीरियड की स्पेशलिटी ये थी कि आपके पास पूरी दुनिया का जो साइज था, या पूरी दुनिया का जो आपके पास काउंट था, या पूरी दुनिया की जो आपकी क्या कहना चाहिए, जो आपका जो पूरी दुनिया का जो मैप था, ठीक है, अगर हम उसको जो है वो ये कहें कि जी वो लार्ज था, तो इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर या इस पर्टिकुलर उसमें इस पर्टिकुलर पीरियड में और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है या इस पर्टिकुलर एरा के अंदर, इट कन्वर्टेड फ्रॉम लार्ज टू मीडियम, यानी कि वो लार्ज से मीडियम के ऊपर कन्वर्ट हो गया। ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, जो मैं तुम लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कि उस वक्त ग्लोबलाइजेशन वन के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फोकस नहीं थी, इतनी ज्यादा हाईलाइटेड नहीं थी। उस वक्त का फोकस क्या था, उस वक्त का फोकस था आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन और आपका दूसरे नंबर के ऊपर इकोनॉमिक डिनोमिनेशन, ठीक है, डोमिनेशन, और फिर उसके बाद जो बेसिक फोकस था वो ये था कि जी आपका साइज जो है वो पूरी जो दुनिया का साइज है वो बड़े से दरमियाना साइज के ऊपर आ गया, ठीक है। अब जब मैं ग्लोबलाइजेशन टू के ऊपर जाता हूँ, तो ग्लोबलाइजेशन टू जो मेरे पास स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 1800 से और ये एंड होती है अराउंड 2000 के ऊपर। ये एरा मेरे पास तकरीबन, या ये कहना चाहिए कि सबसे बड़ा एरा है। क्यों सबसे बड़ा एरा है, क्योंकि तकरीबन ये हमारे पास 200 साल के ऊपर जो है वो ये मुहित करता है, मतलब ऑलमोस्ट 200 साल इसके अंदर जो है वो काउंट होता है, बल्कि इनफैक्ट ऊपर वाले में 400 थे, नहीं सॉरी दूसरे नंबर के ऊपर ये आता है, 200 साल का ये एरा है हमारे पास। लेकिन इस 200 साल के एरा के अंदर आपकी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हुई, चीजें बहुत ज्यादा जो है वो एडवांस हुई। अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनी का कॉन्सेप्ट आया, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम दोबारा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि जी पहले हमारे पास एक गली के अंदर एक दुकान होती थी, ठीक है, और वही दुकान हमारा बिजनेस होती थी, वही हमारा बिजनेस रन कर रही होती थी। फिर कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, कॉन्सेप्ट चेंज होने के बाद वो एक गली से निकल के चार गली दूर दूसरी गली के उसके अंदर दुकान, या एक एरिया से निकल के दूसरे एरिया के अंदर दुकान बन गई। जब दो एरियाज के अंदर दुकान बन गई, तो और मजीद हम आगे की बात करें तो कराची से बाहर हैदराबाद के अंदर एक यूनिट खुल गया, हैदराबाद के बाद कराची, हैदराबाद के बाद लाहौर में एक यूनिट खुल गया, कराची हैदराबाद लाहौर के बाद एक यूनिट पेशावर में खुल गया, कराची हैदराबाद लाहौर पेशावर में एक यूनिट क्वेटा के अंदर खुल गया। ये तो सारी की सारी चीजें थी जो कि हमारी एक दुकान से नेशनल इंडस्ट्री या नेशनल कॉरपोरेशन तक बनने के, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर या वो एक प्रेमिसेस एक बाउंड्री के अंदर घूमती रही। जब हमने 1800 की बात की, तो 1800 एंड ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट्स ने अपने आप को एमएनसी के अंदर ले लिया। अब मल्टीनेशनल का मतलब क्या हुआ, जो हमने पहले पढ़ा था कि जी उसके मेजर ऑपरेशंस क्रॉस बॉर्डर के अंदर मौजूद हो। क्रॉस बॉर्डर का मतलब ये है कि दो कंट्री, एक किसी और कंट्री के अंदर, एक किसी और कॉन्टिनेंट के अंदर भी उसके स्पेशली या स्पेसिफिक जो आपके ऑपरेशंस हैं वो वहां पे मौजूद हो। तो वही सेम चीज हमारे पास ग्लोबलाइजेशन टू के एरा के कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इन 200 सालों के अंदर आपकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट आया पहली बार। और उस वक्त मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट के ऊपर आया, ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि व्हाट दे वर सीकिंग, या वो क्या ढूंढ रहे थे दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, दूसरे कंट्रीज के अंदर, चीप लेबर, सस्ती लेबर फोर्स, मार्केट ऑफ गुड्स, कि वो गुड्स जो वो बना रहे हैं वो गुड्स या वो प्रोडक्ट किन किन मार्केट्स के अंदर सेल हो सकती है, किन किन मार्केट्स के अंदर बिक सकती है। पहले तो हम छोटी सी अपनी मार्केट की बात कर रहे होते थे,
पहले तो हम अपनी छोटी सी कह रहे होते थे कि जी ये हमारी इंडस्ट्री है, पहले मेरी ये गली की दुकान होती थी, फिर उसके बाद मैंने कराची के अंदर की बात की, फिर उसके बाद मैंने पंजाब के अंदर की बात की, फिर उसके बाद मैंने बलूचिस्तान के अंदर की बात की, फिर उसके बाद मैंने केपीके के अंदर की बात की, ये तो छोटे छोटे एरिया से। जब मल्टीनेशनल की मैंने बात की तो मैंने ये कहा कि नहीं जी अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम ये देखते हैं कि जी इससे आगे और कहाँ कहाँ हमारी मार्केट्स हैं और हमें अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी है, हमें अपनी कॉस्ट बचानी है। तो कॉस्ट बचाने के लिए हमने लेबर फोर्स को कम से कम या सस्ते से सस्ते पे देखा, ठीक है। इसी के बाद ये जो एक्सपेंशन है या ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसने क्या किया, इसने मेरी कॉस्ट ऑफ लेबर को कंट्रोल किया। कॉस्ट ऑफ लेबर को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जो जो पैसे जो मैं अपनी लेबर को पैसे दे रहा था वो अगर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर किसी दूसरे कंट्री के अंदर लेबर जो है वो कम पैसों में मुझे मिल रही थी तो मेरे पैसे कंट्रोल हो गए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरी जो पहले ट्रांसपोर्टेशन थी वो और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो दोनों चेंज हो गई। ग्लोबलाइजेशन के बाद मुझे अगर पहले मैं सपोजिटली 3 दिन के अंदर एक माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता था तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बाद मुझे उसको तेज करना पड़ा। तेज इसलिए करना पड़ा क्योंकि 3 मिनट में अब मुझे एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाना, 3 दिन में मुझे एक कॉन्टिनेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जाना है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, इसी तरीके से मोड ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ गया। मोड ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ने का मतलब यह है कि पहले आप इतना ज्यादा कम्युनिकेशन के अंदर आप फोकस नहीं कर रहे होते थे, खत लिख देते थे, हफ्ते बाद 10 दिन बाद महीने बाद पहुंच जाता था, ओके कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपके पास ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया तो कम्युनिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना या इनहेंस होना लाजमी हो गई कि लोगों को उतनी ही क्विक मैसेजेस भी पहुंच सके। अब बेसिकली ग्लोबलाइजेशन 1 और 2 के अंदर हुआ क्या, हो ये रहा है कि टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन 1 के अंदर थोड़ी सिंपल थी, 2 के अंदर आके वो और मजीद कॉम्प्लेक्स हो गई। अब टेक्नोलॉजी आपकी ट्रांसपोर्टेशन में भी आ गई, टेक्नोलॉजी आपकी कम्युनिकेशन में भी आ गई, टेक्नोलॉजी आपकी जो है जो आपके कस्टमर्स का जो आपका लेबर का चीपनेस है उसके अंदर भी आ गई। टेक्नोलॉजी थी तो आप चीप लेबर को उसको ले रहे थे ना, आपके पास टेक्नोलॉजी उनके पास लेबर थी, आपने सस्ते पैसों में उनसे लेबर से काम करा लिया, ठीक है। और इसका ग्लोबलाइजेशन 2 का जो था या सेकंड ग्लोबलाइजेशन जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट था या सेकंड ग्लोबलाइजेशन जनरेशन का जो आपके पास एरिया था या फोकस था वो क्या था, वो ये था कि आपके पास दुनिया स्मॉल मीडियम साइज से स्मॉल साइज के ऊपर कन्वर्ट हो गई। ग्लोबलाइजेशन 1 के अंदर इट वॉज फ्रॉम लार्ज टू मीडियम, ग्लोबलाइजेशन 2 में इट बिकेम मीडियम टू स्मॉल। अब हम आते हैं ग्लोबलाइजेशन 3 के अंदर। ग्लोबलाइजेशन 3 का वो एरा है जो अब तुम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो या ग्लोबलाइजेशन 3 का वो एरा है जिस एरा में यू पीपल वर बॉर्न और तुम लोग जो है वो इस एरा के अंदर जो है वो वर्कआउट करते चले जा रहे हो। ग्लोबलाइजेशन 3 का जो एरा है वो 2000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब 2000 के अंदर जब हम बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं, तो कंपनीज कंट्रीज इंडिविजुअल, पहले हमने बात की डिस्कवरी की, नेशनलाइजेशन की, दूसरे लेवल में हमने बात की एमएनसी की, अब तीसरे लेवल के अंदर हम सब की बात कर रहे हैं, हम कंट्री की भी बात कर रहे हैं, हम कंपनी की भी बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल्स की भी बात कर रहे हैं। दैट मीन्स मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ, मैं यूनिलीवर की भी बात कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों की एज इंडिविजुअल भी बात कर रहा हूँ, लाइक अजहर इंडिविजुअल, फुरकान इंडिविजुअल, इकबाल इंडिविजुअल, मुबारक इंडिविजुअल, सद्दाम इंडिविजुअल, मैं तुम सब लोगों की इंडिविजुअली भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या कहते हैं, अब आप ये कहते हैं कि जी पहले तो सिर्फ आपके पास इंडस्ट्रीज का चल रहा था ना, अब चाहे कंट्री हो, चाहे कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, अब सबके सबको प्लेइंग फील्ड का इक्वल मौका मिलता है। प्लेइंग फील्ड का इक्वल मौका मिलने का मतलब यह है कि अब जरूरी नहीं है कि आप किसी भी कंट्री, यानी कि आप कोई स्पेसिफिक किसी कंट्री के अंदर जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस रखे तो आप मैटर करें। लाइक जिस तरीके से पहले नेशनलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 1 की बात है तो जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है वो ज्यादा चलता था, ये पहले होता था, अब नहीं होता। अब आप ये कहते हैं कि जी अगर आप इंडिविजुअल हैं और अगर आप ए कंट्री के अंदर है या बी कंट्री के अंदर है, डजंट मैटर, आपके पास भी उतने ही मौके हैं जितने बाकी सब लोगों के पास है। मैं इंडिविजुअल बात करूं, बीइंग कंपनी बात करूं, ठीक है। दूसरी बात ये, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन आपके पास मौजूद है। इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन का मतलब ये, तुम सब लोगों के हाथ के अंदर, तुम सब लोगों के पास सेलफोन मौजूद है, तो अब तुम सब लोगों की कम्युनिकेशन इंस्टेंट है। अब ऐसा नहीं हो सकता
कि ये हो, ये कहो कि जी अजहर के पास जो कम्युनिकेशन मोड है वो फुरकान के पास नहीं है, या अजहर और फुरकान के पास जो है वो सदाम के पास नहीं है, इकबाल के पास है. अब तुम सब लोगों के पास इंस्टेंट कम्युनिकेशन मोड है. ग्लोबलाइजेशन वन में, ग्लोबलाइजेशन टू के अंदर जो कम्युनिकेशन मोड्स थे वो टाइम लेते थे, डिले लेते थे, दो दिन लेते थे, तीन दिन लेते थे. अब तुम्हारे पास इमीडिएट कॉन्सेप्ट है. इमीडिएट कॉन्सेप्ट का मतलब फॉरन का कॉन्सेप्ट है. फॉरन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जी तुम्हें अगर अभी इसी वक्त फॉरन अमेरिका वीडियो कॉल करनी तो तुम अपने व्हाट्सएप से बहुत आसानी से कर सकते हो, तुम अपने फेसबुक से बहुत आसानी से कर सकते हो. इवन व्हाट्सएप और फेसबुक को छोड़ दो, बल्कि नहीं, व्हाट्सएप और फेसबुक को रखो, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक आपके चीप और इकोनॉमिकल मेथड है. अगर आप इसी को टेलीफोन के ऊपर ले जाए तो टेलीफोन में कॉस्ट यू अ थोड़ा सा हायर साइड, तो इसलिए लोग टेलीफोन को भी अब यूज नहीं करते. वो किसको यूज करते हैं, वो एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हो. तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जी इक्वल प्लेइंग फील्ड है, मतलब सबके पास ये ऑप्शन मौजूद है. एड्स आर चीप, एड्स का मतलब सपोर्ट्स जो है वो सारी के सारी चीप हो गई है, और आपका कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो इंस्टेंटेनियस है. ठीक है, फास्ट इनएक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन. अब आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट भी है आपकी, और आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है इनएक्सपेंसिव भी है. लाइक जिस तरीके से अगर आप एग्जाम्पल ले लो, अभी जो आपके एयरप्लेन के ट्रैफिकिंग, एयरप्लेन की जो कॉस्टिंग चल रही है, वो सारी के सारी कॉस्टिंग आपके पास काफी इकोनॉमिकल कॉस्टिंग है. ठीक है, और जितनी इकोनॉमिकल कॉस्टिंग है उतनी ही आपके पास इजी जो है वो चीजें जो है वो लेके चल रही होती है. लाइक अब आप 7,000 रुपए में जो है वो कहीं भी मूव कर सकते हो, और बहुत ईजिली मूव कर सकते हो. ठीक है, ये आपके पास ये पॉइंट आ गया. इसके बाद इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें, तो इंडिविजुअल्स आपके पास जो है वो एम्पावर्ड है. अब आपके पास इस चीज़ की एम्पावरमेंट मौजूद है कि आप किसी भी कंट्री से ओरिजिनेट करते हो, डजेंट मैटर्स, आप बहुत इजीली दुनिया में कभी भी कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर आराम से मूव कर सकते हो, और मूव करके जो भी आपकी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आपके वर्किंग कॉन्टेक्स्ट हैं, वो आप यूज कर सकते हो. फ्रेडमैन ने एक और चीज़ प्रोजेक्ट की, या फ्रेडमैन ने एक और चीज़ एम्फसाइज की, और वो ये था कि अब आपके बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्स हो चुके हैं. बिजनेस एनवायरमेंट डाइवर्स होने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन वन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन टू की बात करें, तो देवर हैविली डोमिनेटेड बाय द वेस्ट वर्ल्ड, क्योंकि वो तमाम के तमाम कंट्रीज जिन कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वो तमाम के तमाम कंट्रीज जिनको हम डार्क कॉन्टिनेंट्स कहते थे, वो तमाम के तमाम कंट्रीज जिन्होंने मास प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो फोकस रखा, उन तमाम के तमाम कंट्रीज कि पहले डोमिनेंसी थी. बट आफ्टर द थर्ड जनरेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या आफ्टर द थर्ड एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या विद इन द थर्ड एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आपके पास वेस्ट वर्ल्ड की डोमिनेशन या वेस्ट वर्ल्ड की डोमिनेंसी खत्म हो गई, और अब आपके पास चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप छोटी सी कंपनी हो, चाहे आप किसी एक कंट्री के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हो, दिस इज टोटली अप टू यू. बट आप जहां अगर किसी भी जगह का ऊपर हो, आपके पास इक्वल मोड या इक्वल ऑप्शंस या इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं टू एक्सप्लोर, टू कॉन्कर एंड टू एक्सट्रैक्ट द मार्केट शेयर फ्रॉम द मार्केट जो कि आपके पास मौजूद है. ठीक है, इसके बाद अब जब हम ग्लोबलाइजेशन थ्री के ऊपर हम बात करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन थ्री का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब हमने ग्लोबलाइजेशन वन के बारे में कहा कि जी उसने दुनिया को जो है वो लार्ज से मीडियम किया, ग्लोबलाइजेशन ने मीडियम से स्मॉल किया. अब ग्लोबलाइजेशन थ्री का इम्पैक्ट क्या है, या ग्लोबलाइजेशन थ्री ने किस चीज़ को, या इस एरा के अंदर जो है वो क्या चीज़ जो है वो आ गई है. अब जब हम ग्लोबलाइजेशन थ्री की बात करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन थ्री ने आपका शिफ्ट कर दिया है डिमांड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री से कस्टमर केयर के ऊपर. दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन वन हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट था, ग्लोबलाइजेशन टू हमारे पास प्रोडक्शन एंड सर्विस था, ग्लोबलाइजेशन थ्री प्रोडक्शन सर्विसेज के साथ कस्टमर सर्विस की बात आ गई. मतलब प्रोडक्शन मौजूद है, सर्विसेज मौजूद है, हमने उसको निगेट नहीं किया, लेकिन अब हम सिर्फ ये नहीं कहते कि जी जो बन रहा है वो बिक रहा है, या जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो बिक रहा है. नो, अब हम ये कहते हैं कि हमारी कस्टमर सर्विस कितनी मैटर करती है, या हमारे पास जो हम बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चर करना सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि उसके मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ उसकी जो कस्टमर उसको परचेज कर रहा है वो किस हद तक सेटिस्फाइड है, वो किस हद तक जो है कन्विंस हो रहा है, वो किस हद तक जो है हमारे पास इस बात को अग्री करता है कि जी जो बनाया गया है वो डिजायर्ड कस्टमर सर्विस भी दे रहा है. ठीक है, अब सवाल यहाँ पर आके ये खड़ा होता है कि चूंकि हमारे पास ग्लोबलाइजेशन वन, ग्लोबलाइजेशन टू, ग्लोबलाइजेशन थ्री के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा वैस्ट, बहुत ज़्यादा फास्टली चेंज हो गई. कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो गई,
हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये चीज चेंज हो गई कि जी हमारे पास मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए। मुख्तलिफ नेशनैलिटी से क्या मतलब है, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, अरबी भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, ये सारी के सारी। इवन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वेस्ट कंट्रीज के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अब जो आपके ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको भी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के एम्बिट के अंदर लाया जा रहा है, मींस उनको भी वर्किंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर लाया जा रहा है। अगर तुम में से कोई इंटरनेशनल फॉर्म्स अगर फिल करो तो उसके अंदर जेंडर के अंदर ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन जो है वो दिया जा रहा जाने लगा है। नॉट ओनली नॉट इन पाकिस्तान या नॉट इन आर कंट्री, हमारे कंट्री में इवन इंडिया वगैरह के अंदर अभी ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट येस वेस्ट के अंदर इस चीज़ को भी लाया जा रहा है। तो आपके पास नेशनैलिटीज चेंज हो गई, सिमिलरली लैंग्वेजेस चेंज हो गई, सिमिलरली कल्चर्स चेंज हो गए। ग्लोबलाइजेशन के तीनों एरास के अंदर आपकी तीन बेसिक चीज़ों का मर्जर बनना स्टार्ट हो गया, यानी ग्लोबलाइजेशन थ्री में नेशनैलिटी, लैंग्वेज, कल्चर, ये तीनों चीज़ें चेंज हो गए। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपका कल्चर चेंज हो गया, नाउ व्हाट एचआर प्रोफेशनल नीड्स टू डू, नाउ व्हाट एचआर प्रोफेशनल टेंड टू डू, या नाउ व्हाट एचआर वांट्स टू डू या एचआर शुड डू। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है, इस चीज को कैटर करने के लिए एचआर क्या करेगा। एचआर प्रोफेशनल्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंज इन वेलकमिंग डाइवर्सिटी एंड अडैप्टिंग ट्रेनिंग्स। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे पास बताई गई वो ये बताई गई कि एचआर को करना क्या है, वो दूसरों के लिए नहीं करेगा, वो सबसे पहले जो भी चेंज करेगा या सबसे पहले जो भी एडजस्टमेंट करेगा या सबसे पहले जो भी वर्किंग करेगा वो अपने पास करेगा। अपने पास करने का मतलब ये है कि सबसे पहले इन सारे चैलेंजेस को कैटर करने के लिए एचआर को खुद प्रिपेयर होना है। कैसे प्रिपेयर होगा, सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट एचआर को करना है वो ये करना है कि एचआर शुड बी अ एलिमेंट ऑफ वेलकमिंग डाइवर्सिटी। दैट मींस जितनी डाइवर्सिटी, जितनी डेविएशन, जितनी चेंजेस है, जितना मिक्स बन चुका है, एचआर शुड वेलकम इट, एचआर उसको अडॉप्ट करे। क्योंकि एचआर जितने चेंजेस है, जितनी डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करेगा, जितना ज्यादा चेंजेस, जितनी ज्यादा मिक्स्ड ऑप्शंस को अपने पास रखेगा, उतना ही एचआर को आसान होगा डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट जगहों पे अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखा। सिमिलरली दे शुड अडॉप्ट ट्रेनिंग, दे शुड चेंज देमसेल्व्स बाय ट्रेनिंग फर्स्ट। लाइक मिसाल के तौर पे अगर उनको लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, उनको लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। अगर उनको ट्रेडिशंस के बारे में नहीं पता, कल्चर के बारे में नहीं पता, उनको ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में पता करना। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। अभी आपकी क्लास ये वाली जो है, इस क्लास के अंदर सिर्फ 2 मिनट रह गए, तो मैं आपका ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ और ये सेशन क्लोज करके इमिजिएटली नेक्स्ट सेशन ओपन करूंगा। आप नेक्स्ट सेशन ओपन करके, नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करके मेरे पास वापस हो, तो फिर हम ये जो अडेप्टेड ट्रेनिंग की है इसके सिलसिले में हम कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो फिर हम इसको आगे जो हमें समझने में आसानी होगी। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन और मैं ये सेशन दोबारा से ओपन कर रहा हूँ, तो आप सब लोग जल्दी से दोबारा वापस ज्वाइन कर देना। ओके जी।